वेलकम टू माई चैनल टेक जिनी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कोई स्मार्टफोन के बारे में बात नहीं करते हैं, बट आज के इस वीडियो में मैं आप सब लोग के लिए अपकमिंग स्मार्टफोन्स को लेकर इंटरेस्टिंग लीक्स एंड रूमर्स के बारे में बताऊंगी। एंड यस, आज के इस वीडियो में हम जो स्मार्टफोन्स के बारे में बात करेंगे वो रहेगा हुआवे का नोवा 4, मोशोला का मोटो 4, एंड यस हम लोग बात करेंगे ओप्पो के फोल्डेबल स्मार्टफोन के बारे में भी। तो अगर हम लोग हुआवे नोवा 4 के बारे में बात करेंगे तो ऐसा कहा जा रहा है कि कंपनी एंड यस प्रोबेबली हुआवे नोवा 4 हो सकता है। एंड मोटोरोला Z4 के बारे में बात करेंगे तो ऐसा कहा जा रहा है कि स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 8150 का चिपसेट रहेगा। एंड यस, साथ में हम बात करेंगे ओप्पो के अपकमिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन के बारे में भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं। बट फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ने से पहले, इफ नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। एंड जो फ्रेंड्स जिन्होंने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड आशा है कि आप सब ये वीडियो एंड तक देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम चालू करते हैं हुआवे के अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में। तो फ्रेंड्स, लीक्स के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि हुआवे काम कर रहे हैं अपने ऐसे स्मार्टफोन में जहाँ पे ऑल स्क्रीन डिस्प्ले रहे, कहीं पे भी बेजल्स ना रहे। एंड रिपोर्टेडली रिसेंटली ऐसा पता चला है कि ये स्मार्टफोन में भी हुआवे नोवा 4 हो सकता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट पे हुआवे काम कर रहा है वो बेसिकली सैमसंग से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है, बिकॉज सैमसंग ने करंटली अपने 3 कॉन्सेप्ट्स लॉन्च किए थे ऑल स्क्रीन डिस्प्ले को लेके, जो कि था इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले, इन्फिनिटी यू डिस्प्ले एंड इन्फिनिटी वी डिस्प्ले। एंड उसमें से ऐसा कहा जा रहा है कि जो इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले है वो सिमिलर टाइप का डिज़ाइन ये स्मार्टफोन में रहने वाला है, जहाँ पे फ़ोन के टॉप लेफ्ट पे आपको एक होल दिखाई देगा जहाँ पे ये स्मार्टफोन का फ्रंट कैमरा प्लेस किया जाएगा। एंड यस फ्रेंड्स, कंपनी ने थोड़े दिन पहले एक ऑफिशियल टीजर टाइप ऑफ लॉन्च भी किया था कि उसका ऑल स्क्रीन स्मार्टफोन अभी दिसंबर 2018 में लॉन्च होने वाला है। एंड ऐसा रहा तो डेफिनेटली डायरेक्ट कंपटीशन है सैमसंग के स्मार्टफोन को लेके, बिकॉज कहा जा रहा था कि सैमसंग ये इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन अर्ली जनवरी 2019 में लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम था सैमसंग गैलेक्सी A8s। बट यस, ऐसा कहा जा रहा है कि स्मार्टफोन भी दिसंबर 2018 में ही लॉन्च। डेफिनेटली हुआवे सैमसंग में एक रेस है कि कौन सी कंपनी ये सेम कॉन्सेप्ट वाला स्मार्टफोन पहले लॉन्च करती है। एंड अगर हम लोग हुआवे नोवा 3 के बारे में भी बात करें तो यस, अभी अगस्त में ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था, 6GB रैम एंड अच्छी खासा मार्केट से भी ये स्मार्टफोन को रिस्पॉन्स मिला है, बिकॉज बजट सेगमेंट में अगेन हुआवे ने अच्छा स्मार्टफोन लॉन्च किया था। तो डेफिनेटली अगर ये स्मार्टफोन हुआवे नोवा 4 हुआ विद अ होल, बेसिकली इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले, तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन से भी काफ़ी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस है। तो लेट्स होप कि ये स्मार्टफोन दिसंबर में ही लॉन्च हो जाए, ना कि वो MWC इवेंट में लॉन्च करे। बट फिलहाल ये स्मार्टफोन को लेके बस इतने ही रूमर्स थे। एंड अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कस कर लेते हैं हम मोटो Z4 के बारे में, कि कहा जा रहा है कि मोटोरोला अगेन अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन पे काम कर रहा है जो कि है मोटो Z4 अपार्ट फ्रॉम मोटो G7। बट अगर हम लोग Z4 के बारे में बात करेंगे तो ये ऐसा कहा जा रहा है कि स्मार्टफोन में लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8150 का चिपसेट रहेगा, विच इज़ डेफिनेटली अ गुड पॉइंट। एंड फ्रेंड्स, इसके अलावा स्मार्टफोन के रैम एंड इंटरनल स्टोरेज को लेके भी लीक्स आई है, जो कहते हैं कि ये स्मार्टफोन में आपको 6GB रैम मिलेगा विद मल्टीपल स्टोरेज वेरिएंट्स लाइक 64GB एंड 128GB। बट इसके अलावा ये स्मार्टफोन को लेके फिलहाल फ्रेंड्स कोई भी लीक्स एंड रूमर्स नहीं है। एंड साथ में हम बात कर लेते हैं मोटोरोला G7 के बारे में, तो ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये स्मार्टफोन में आपको 5000mAh की बैटरी मिलेगी, विच इज़ डेफिनेटली अ वेरी गुड पॉइंट। एंड साथ में स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 632 का चिपसेट रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं, हम फाइनली बात कर लेते हैं ओप्पो के फोल्डेबल स्मार्टफोन को लेके। तो यस फ्रेंड्स, अभी हम लोग ने रिसेंटली देखा कि एक महीने पहले रॉयल करके कंपनी का नाम था जिसने फ्लेक्स 5 वर्ल्ड का फर्स्ट एवर फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च किया था। एंड उसके बाद रिसेंटली अभी सैमसंग ने भी एक टीजर लॉन्च किया है जहाँ पे उसका फोल्डेबल स्मार्टफोन के थोड़े बहुत ग्लिम्पसेस भी हमको दिखा है। एंड अब बात आती है ओप्पो के बारे में, तो जो ओप्पो का प्रोडक्ट मैनेजर है मिस्टर वैंग, उन्होंने ये स्पेसिफिकली कहा है कि ओप्पो अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन पे काम कर रहा है एंड ये स्मार्टफोन ऑफिशियली अनवील किया जाएगा MWC 2019 के इवेंट में। एंड इसके अलावा मिस्टर वैंग ने ये स्मार्टफोन को लेकर कोई भी लीक्स, रूमर्स या स्पेसिफिकेशंस रिवील नहीं किए हैं। ऑफकोर्स वी नीड टू वेट टिल MWC 2019 का इवेंट, जब फाइनली हम लोग को ओप्पो के फोल्डेबल स्मार्टफोन की कंप्लीट ग्लिम्स मिल जाएगी, कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस मिल जाएंगे। एंड डेफिनेटली फ्रेंड्स, टिल देन इन बिटवीन हम लोग को ये स्मार्टफोन्स को लेके भी धीरे धीरे लीक्स एंड अपडेट्स मार्केट में मिलते ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ये थे इंटरेस्टिंग बात हुआवे नोवा 4 को लेके, मोटो Z4 को लेके एंड ओप्पो के अपकमिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन को लेके। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल टेक जिनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।